नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर्वकाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी मानस। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बीट्स विथ सर्पे ब्रदर एंड सिस्टर। सबसे पहले हम आपका परिचय अपने कलाकारों से करा दें। रामचंद्र सर्पे भिलाई का वो नाम है जिसकी पहचान भिलाई की सीमाओं से परे देश विदेश तक फैल चुकी है। अपने हुनर के चलते इनका नाम भारत के नामचीन तबला वादकों में लिया जाता है। 22 दिसंबर 1989 को दुर्ग के एक छोटे से गांव चिरपोटी में जन्मे रामचंद्र सर्पे अपने पिता का सपना पूरा कर रहे हैं। पिता गोवर्धन गांव की मंडलियों में गाते बजाते थे। पिता की देखा देखी रामचंद्र का रुझान भी संगीत की ओर हुआ। गाँव में होने वाले लोक संगीत, भजन, संगीतमय रामायण 5 साल के रामचंद को अपनी ओर खींचते थे, खासकर ढोलक जैसे ताल वाद्य। 5 साल के रामचंद्र के रुझान को देखते हुए माँ धनमत सर्पे एक छोटा सा नगाड़ा घर ले आईं। अब तक श्री गोवर्धन जी अपने बेटे के हुनर को भांप चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ रामचंद के तबला वादक बनने का सफर। अपने 20 साल के संगीतीय सफर में रामचंद करीब 1000 मंचीय प्रस्तुतियां दे चुके हैं। 500 से ज़्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग में अपना हुनर दिखा चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे अनेकों देशों में अपने तबले की थाप से छाप छोड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं रामचंद सर्पे जी का। रामचंद जी, बहुत सारे सवाल हम लोगों के पास हैं आपसे पूछने के लिए जी। उसमें से कुछ सवाल हम खुद करेंगे, कुछ हमारे ऑडियंस भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे जी। हमारा पहला सवाल ये है कि आपने कब तय किया कि आपको तबले को प्रोफेशनल रूप में लेना है जी? लगभग 8-9 वर्ष की आयु से मंची प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका था। छोटे बड़े मंचों जैसे रामायण मंच हो गया, लोक सांस्कृतिक मंच हो गया, सुगम संगीत हो गया, थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा लाइन में भी मैंने थोड़ा सा काम किया। लेकिन जब 15-16 वर्ष की आयु का था तो हमारे रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो वहाँ 3 दिन का एक मेगा फेस्टिवल था, म्यूज़िक फेस्टिवल, जिसमें से बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। तो उनसे जब चर्चा हुई, जब बातें हुई कि आप लोग क्या करते हैं, कैसा क्या करते हैं, तो उन्हें पता है हम लोग म्यूज़िक ही करते हैं, तो ऐसे प्रोफेशन करते हैं। तो उस समय हमको आभास हुआ कि म्यूज़िक को प्रोफेशन की तरह भी लिया जा सकता है। तब मैंने तय किया कि उसको हम एक प्रोफेशन की तरह ले जी। कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा था जी, उस वो समय आपका कैसा गुजरा जी? जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो शुरू के लगभग 15-20 दिन तो एकदम निराशा में समय व्यतीत हुआ। फिर क्योंकि तो वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में आई थी, तो फिर धीरे धीरे मन को समझाए, अपने आप को समझाए, तसल्ली दिए कि ये तो समय ही वैसा है, उसको तो कैसे भी करके व्यतीत करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे फिर अपने रियाज पे ध्यान देने लगे, फिर सुबह शाम, फिर लगभग अब तो घर से बाहर जाना ही नहीं था, बाहर तो कुछ काम था ही नहीं, बाहर निकलना ही मना था। तो फिर लगभग संगीत में हमारा समय गुजरा, हमारा परिवार के सभी सदस्य, पापा, मेरी सिस्टर पूनम सर पे, वो भी तबला बजाती है, तो उसके साथ भी हम रियाज करना प्रारंभ किए। फिर सब चीज़ ऑनलाइन चल रहा था, तो एक दिन फेसबुक में नज़र गई तो सब अपना अपना वीडियो बना बना के उसमें डालते थे, कुछ ना कुछ क्रिएशन वर्क, घर में ही थे सब, तो क्रिएशन वर्क। तो एक दिन ऐसे पूनम से बातचीत के दौरान बातचीत हुआ कि हम लोग भी चलो कुछ करते हैं, तो फिर ये तबला जुगलबंदी एक वीडियो हमने बनाया, फिर सोशल मीडिया पे हमने डाला, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी एनकरेजमेंट मिला कि इसको कंटिन्यू करो, ऑनलाइन क्यों, इसको जब समय, जब लॉकडाउन हट जाएगा तो ऑफलाइन में भी इसको प्रेजेंट करो। तो फिर लोगों को प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो तब से लगभग 2 साल हो गए हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परफॉर्म कर रहे हैं जुगलबंदी जी। जी, आपको बता दें कि पूनम सर्पे रामचंद सर्पे जी की छोटी बहन है और वो बहुत अच्छी तबला वादक हैं। हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। भिलाई में बस चुके श्री गोवर्धन जी के घर में जब 5 दिसंबर 1996 को पूनम का जन्म हुआ, तब तक घर में तबले का माहौल बन चुका था।
जन्म के बाद से ही पूनम के कानों में तबले की थाप और तबले के बोल पहुंचने लगे थे। 3 साल की पूनम घर में गूंजती तालों की ओर आकर्षित हो रही थी। पिता श्री गोवर्धन सरपे को जल्द ही समझ में आ गया कि घर में एक और कलाकार पैदा होने वाला है। 6 साल की होने पर गोवर्धन जी घर में तबले की एक और जोड़ी ले आए और फिर शुरू हुआ पूनम की तालीम का सफ़र। पूनम की प्रतिभा का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 9 साल की उम्र में ही पूनम ने सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से आयोजित संगीत प्रतियोगिता में पहली बार स्टेज पर अपनी प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में कुल 21 प्रतिभागी थे और पूनम उन सब में इकलौती लड़की थी। कमाल की बात यह है कि यह प्रतियोगिता पूनम ने जीत ली। आज पूनम अपने भाई की तरह लोक संगीत, सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत की सभी विधाओं में काम कर रही हैं। आज दोनों भाई बहन अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक पार्थ सारथी मुखर्जी जी से तबले की तालीम ले रहे हैं। पूनम जी, सर्व अकाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने एमकॉम किया है और पढ़ाई और तबले के बीच में आप कैसे बैलेंस बनाती रही हैं? जी, ये तो बहुत अच्छा ही सवाल है। हमारे घर में बचपन से सांगीतिक माहौल रहा है। बचपन से बड़े बड़े गुणीजन का हमारे घर आना जाना था, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। और पढ़ाई के दिनों में, स्कूल के दिनों में और कॉलेज के दिनों में मैं तो ऐसे करती थी कि कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो उसको मैं तबले के छंदों में याद कर लेती थी। और कई दफ़े ऐसे होता था कि किसी पोयम को बचपन में याद करने के लिए मैं कोई ना कोई म्यूज़िकल या रिदम का सहारा लेके याद कर लेती थी। और वैसे ही जब स्कूल में पढ़ाइयाँ होती थी तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों हाथ मेरे अपने आप बेंचों पर थिरकने लगते थे, मुझे मालूम नहीं पड़ता था। पर मेरी सहेलियाँ गौर करती थी इस बात को, फिर वो कहती थी तुम्हारा हाथ चल रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि मेरे हाथ चल रहे हैं और मुझे मालूम नहीं। तो स्कूल और घरों में ऐसे ही मेरा पढ़ाई भी चलता रहा और साथ ही साथ मेरा संगीत का रियाज भी और तालीम मेरी चलती रही, जो गुणीजन पापा जी से, भैया जी से प्राप्त हुआ। तो इस तरह मैंने पढ़ाई और रियाज दोनों को बैलेंस किया। एक पापा की बात मुझे याद आती है कि पापा कहते थे कि अगर आप 4 घंटे रियाज कर रहे हैं, 4 घंटे पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो इस तरह मैं अपनी पढ़ाई और रियाज बैलेंस करी। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कि ये सब लोगों को सीखने वाली बात है कि आप जिस विधा में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं उसको आप पढ़ाई से जोड़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो रुचि का विषय होता है उसका कोई वक्त नहीं होता, जिसका वक्त होता है वो आपकी रुचि का विषय नहीं होता है। तो इनका जो तबले में जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता था। ये बहुत अच्छी बात है। पूनम जी, एक और सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं, हमारे सारे दर्शक भी इसको जानने के लिए उत्सुक होंगे ही, कि आपका तबला, बहुत सारे लोग आजकल तबला बजा रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं भी तबला बजाने लगी हैं, तो आपका तबला और बाकी महिलाएं जो तबला बजा रही हैं उन दोनों में क्या अंतर है, कैसे आपका अलग है तबला? जी, सभी कलाकारों की अपनी पहचान होती है, उनका अपना क्रिएशन होता है। ठीक वैसे ही मैं जब अपने गुणीजनों से कुछ रचनाएं या उनकी बारीकियां सीखने के बाद मैं उस परंपरा का निर्वहन करते हुए जब मैं अपनी चीज़ें कुछ पेश करती हूं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तबला उनसे अलग है। जी, बहुत बढ़िया।
एक अच्छे कलाकार से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे कार्यक्रम से भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, तो उन वो भी बहुत कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सर्व अकाल की क्रिएटिव डायरेक्टर अंकिता साहा जी के पास, जो US से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हेलो एवरीबॉडी, मायसेल्फ अंकिता साहा, आई एम रियली फॉर्चुनेट टू डायरेक्ट दिस डॉक्यूमेंट्री। माय क्वेश्चन इज फॉर रामचंद्र जी, हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस व्हेन ही मेट द तबला माएस्ट्रो उस्ताद जाकिर हुसैन जी? ओवर टू यू रामचंद्र जी। थैंक यू जी। सबसे पहले नमस्कार अंकिता जी। जाकिर हुसैन जी से मेरा मिलना हुआ 2017 पे बॉम्बे में, वहाँ पे एक कार्यक्रम के सिलसिले में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे पता लगा कि जाकिर हुसैन साहब जी भी आ रहे हैं, तो मैं कोशिश किया तो जैसे तैसे करके वहाँ पे बात बनी ऑर्गेनाइज़र से, तो फिर वहाँ ग्रीन रूम पे उनसे अलग से मुलाकात हुआ, जिसमें हम लोग 15-20 लोग थे, और जो ऑर्गेनाइज़र थे वो दीपक पंडित जी हैं, अपने पिताजी के नाम से एक शंकर शंभू म्यूज़िक फेस्टिवल करते हैं, उसमें उनका सम्मान था जाकिर हुसैन जी का, तो उसमें फिर मैं ग्रीन रूम में उनसे जाके मिला, उनको उनके पिताजी का, अब्बा जी का जिनको कहते हैं, उनका एक पोर्ट्रेट बना के मैं गया था, तो फिर उनको मैं भेंट किया, और उनसे मिलना तो एक अद्भुत अनुभव है उनके साथ, मतलब उनको देखने से ऐसा लगता है कि किसी आप सिद्ध पुरुष से मिल रहे हैं, आपको एक एनर्जी भरा हुआ, मतलब उतने उम्र में भी वो ऐसे एनर्जी से भरपूर रहते हैं, उनको देखने से लगता नहीं ऐसी रौनक, ऐसा मतलब देखने से मतलब ना ऐसा लगता है कि प्रेरणा मिलता है उनको देख के, और वो तो जैसे कहते हैं ना तबला के भगवान है वो, उनको मतलब तबला बजाना तो है ही उनका एक ऊँचे दर्जे का, इंसान भी कैसा होना चाहिए वो भी हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, और कितने डाउन टू अर्थ, जो जितना नीचे रहेगा वो उतना ऊपर जाएगा, उनसे ये सीखने को मिला जी। और भी दर्शक हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मेरा प्रश्न आप दोनों से है, आप लोग तबला सोलो भी करते हो, जुगलबंदी भी करते हो, पर संगत करते समय, तंत्री वाद्यों के साथ संगत करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ये मेरा प्रश्न है जी। नमस्कार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तबला सोलो और संगत दोनों ही अलग अलग जॉनर के हैं, जैसे कि तबला सोलो में आप अपनी बंदी से जो सिखाई जाती है, जैसे कायदा, रेले, पलटे, उसको आप रियाज करके आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन संगत जस्ट उसका उल्टा है, उसमें आपको जो परफॉर्मिंग मेन आर्टिस्ट हैं उनके हिसाब से आपको बजाना पड़ता है, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी रटा हुआ चीज़ आप उनके साथ बजा देंगे, वो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, और संगत का जो विषय है बहुत ही बड़ा विषय है, जैसे शास्त्रीय संगीत में तंत्री वाद्य, जैसे आपने कहा तंत्री वाद्य, फिर सुशीर हो गया, गायन हो गया, नृत्य हो गया, उसके साथ अलग संगत होती है, फिर सुगम संगीत के साथ अलग होता है, लोक संगीत का अलग होता है, सबका अलग अलग टेम्परामेंट है, और सबसे प्रमुख बात है कि संगत किसी को सिखाया नहीं जा सकता, वो आपको साथ साथ जितना बैठेंगे उतना आपको संगत आएगा, क्योंकि ये कहीं पे कोई फिक्स मटेरियल नहीं कि संगत ऐसा ही होता है, उसके केस कितने भी प्रकार हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, और जो मेन आर्टिस्ट है उनको आप कितना अच्छा उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनको सहज महसूस करा सकते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस को और कैसे निखार सकते हैं, आप संगत का मेन उद्देश्य ये होता है कि अगले को अगले का जो परफॉर्मेंस है उसको हमको निखारना है, और बाकी पूनम बताएंगी। और जैसे कि भैया ने कहा कि संगत करते समय हमें सामने कलाकार जिनके साथ हम संगत कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें संगत करना पड़ता है, इसमें और भी बातों को ध्यान रखना जाता है कि संगत आप तभी कर सकते हैं आप अगर एक सोलो आर्टिस्ट हैं, आपके पास मटेरियल हो, तभी आप किसी तंत्री वाद्य के साथ उन चीज़ों को किस तरह अप्लाई करते हैं, आपकी अपनी खुद की एक व्यू होती है उनके साथ में परफॉर्म करने के लिए, उनको क्या चाहिए, आप जब तक सोलो या बंदिशें नहीं सीखे रहेंगे उनमें से एक निष्कर्ष जो निकलता है
उसको लेते हुए हमें संगत करना पड़ता है तंत्री वाद्य के साथ में। उम्मीद है मंत्री जी आपको आपके सवाल का बेहतर जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल किसका है। बनारस घराने की उभरती तबला वादिका पूनम जी से मेरा प्रश्न है कि पूनम जी, आप अपने आप को एज एन तबला आर्टिस्ट 5 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे? अगले 5 सालों में मैं चाहूँगी कि देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपना सोलो वादन दे सकूं और साथ ही प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ संगति का अवसर प्रदान हो, ऐसा मैं चाहती हूं। अगला सवाल भी पूनम जी के लिए है, सुनते हैं उनका सवाल क्या है। नमस्कार, मैं पारस खुल्लर नाभा पंजाब से। मेरा प्रश्न पूनम जी से है कि पूनम जी, आपने क्लासिकल के साथ और सोलो में तो तबला बहुत बजाया है, क्या आपने कभी किसी फ्यूजन के साथ या किसी बैंड के साथ भी बजाया है, या आप उनके साथ परफॉर्म करना चाहेंगे? जी, मैंने फ्यूजन में काम किया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 25 रिदम क्वींस बैंड, एक जिसमें हमने कई कॉन्सर्ट्स किए हैं जिसमें सारी फीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म किए थे, जिसमें मैं भी शामिल थी, और हमने कई कॉन्सर्ट्स पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ पे किया, और आने वाले फ्यूचर ईयर्स में मैं ये चाहूँगी कि और भी मुझे ऐसे फ्यूजन वर्क मिले जिसके साथ मैं काम कर सकूँ, और रिदम क्वींस के अलावा भी मैंने काफ़ी काम किए हैं, सिंथेसाइजर गिटार ऐसे अन्य, और साउथ इंडियन मृदंगम के साथ में भी मैंने फ्यूजन वर्क किया है, तो आने वाले साल में भी मैं फ्यूजन वर्क करना चाहूँगी। कुल मिलाकर पूनम जी ट्रेडिशनल तबला वादन तक ही सीमित नहीं है, देखिए आपके जैसे उन्होंने बताया कि वो फ्यूजन भी कर रही हैं, एक प्रयोगवादी कलाकार लग रही हैं। आप दोनों मजे हुए कलाकार हैं, हमारे दर्शक आप लोगों से जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि आज आप लोग क्या सुनाने वाले हैं। जी, बनारस घराने में पेशकार तो बजाया नहीं जाता, तो हम आज पलटा ठेका कायदा, गत कायदा और कई रचनाएं बनारस घराने की आज प्रस्तुत करेंगे, और कुछ गुरु जी द्वारा रचित गत कायदा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और आखिर में कुछ लग्गियां और रचना बजाकर समाप्त करेंगे। पूनम और रामचंद्र जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रोग्राम में आए और इस शाम को, इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया आपने, बहुत संजीदगी के साथ ना केवल हमारे बल्कि हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा आप लोगों का जो कार्यक्रम का था वो भी बहुत ही बेहतरीन लगा हम लोगों को, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आएगा और याद रखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों कलाकारों का। इसके अलावा हम अपने दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्ब अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी का हम दोनों बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि रेगुलर कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा है न्यू, और सारे यंग आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहे हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। और इस कार्यक्रम की और एक खासियत है कि ये पहले किसी भी कलाकारों के बारे में, उनका जीवन उनके बारे में जानने के बाद उनका परफॉर्मेंस करवाता है, जिसे सभी आने वाले स्टूडेंट्स न्यू म्यूज़िक सीखने वालों के लिए प्रेरणादायी रहता है, और नए नए कलाकारों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो जिसके लिए मैं इस सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी की और एक विशेषता है कि भले ही वो विदेश में बैठे हों, लेकिन उनका जुड़ाव जो है अपने हिंदुस्तानी संस्कृति संगीत से जुड़ा हुआ है, वहाँ रहकर वो हिंदुस्तानी के संगीत को पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। मैं सभी सदस्यों को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्वकाल की ओर से आप दोनों कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। Hello everyone, my name is Raman Suri. I've been in the insurance business for over 10 years and I've been helping people and serving them with the insurance of life insurance and Supervisa. And recently, last year, I became a real estate agent and I've been selling houses from last year and been a very passionate and successful realtor. Just over the last 2 months, market has been really hot and we sold more than 20 houses. And even right now, I'm working with over 10 buyers right now that I'm trying to help them with they're all first time buyers and trying to buy a house in Calgary. Also working with a lot of builders right now that I have multiple lots coming up. Please contact me if you're interested in the insurance business, also in the real estate business as market is really hot right now in Calgary. Please contact me at 403-561-2353. Thank you so much. किसी कलाकार को कलाकार बनाने में उसके परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इतनी मेहनत होती है, इतना समर्पण होता है जिसके बारे में उस कलाकार का परिवार ही बेहतर तरीके से बता सकता है। तो आइए मिलते हैं रामचंद्र और पूनम के परिवार से कि उन्होंने रामचंद्र और पूनम को आगे बढ़ाने में कैसे मदद की। तो आइए मिलते हैं रामचंद्र की माँ धनवंत जी से। माता जी, आपका सर्व अकाल चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जब रामचंद्र और पूनम छोटे थे और जब वो प्रैक्टिस नहीं करते थे तो आप उनको कैसे मनाती थी? मेरे बच्चे तीनों छोटे थे तब इसका पापा पिताजी ड्यूटी जाते थे तो मेरे जिम्मेदारी हो जाते थे उस समय जी। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठाना है, रियाज करवाने के लिए बैठाना है ये, और खाना बनाने के लिए भी देखना पड़ता था जी। तो ये सब लेके बच्चे लोग को मैं बैठाती थी रियाज में। तो बैठते थे और पढ़ने के समय भी बच्चे लोग पढ़ते थे और खेलने के लिए थोड़ा बहुत निकल जाते थे तो मैं जाके बुला के फिर टॉफ़ी दे के मना लेती थी। रियाज के लिए टॉफ़ी दे करके मना लेती थी तो बच्चे लोग मान जाते थे जी। तो फिर अपना काम में बैठ जाते हैं रियाज करने के लिए जी। और पढ़ने के समय में पढ़ने के लिए। तो ये सब मेरे घर में शुरू से संगीत का माहौल शुरू से है बना रहा। हाँ, तो मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि संगीत में हमारे बच्चे आगे बढ़े जी। तो रात और दिन हमारे घर ऐसे रिहर्सल चलता था संगीत में। तो ऐसे बच्चे लोग ये सब माहौल बना। हम लोग इसके पापा पिताजी और हम बहुत मेहनत किए हैं बच्चे लोग के पीछे में। तो अभी बच्चे लोग बड़े हो गए हैं तो अपना अपना पैर में खड़ा हो गया है। तो प्रोग्राम में जाते हैं बच्चे लोग बड़े मंचों में, बड़ा कलाकारों से मिलना जुलना और प्रोग्राम देना। तो हमारा दिल बहुत आनंद आता है। आज आपके दोनों बच्चे जो है बड़े बड़े स्टेज पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और रामचंद्र तो विदेश में भी जा रहे हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। अब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बेटी पूनम भी पंजाब और ये बॉम्बे ये सब वो भी प्रोग्राम दे चुकी है। तो बच्चे लोग के पीछे में हम लोग को जाने के लिए बहुत आनंद आता है और बच्चे लोग को जहाँ सम्मान मिलता है बड़ों मंचों में जी। बड़ा कलाकारों से तो अच्छा लगता है। हम लोग भी जाते हैं तो बच्चे लोग को सम्मान मिलता है तो हम लोग का भी सम्मान होता है। ये होता है माँ का दिल कि बच्चों की खुशी बच्चों के सम्मान में अपना सम्मान खोज लेते हैं। तो माताजी से मिलने के बाद हम उनके रामचंद्र और पूनम के पिताजी से भी मिलना चाहेंगे। अब हम उनको आमंत्रित करते हैं। गोवर्धन जी, आपका स्वागत है सर्वकाल के यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। भाऊ जी, आपके दोनों बच्चे बहुत बड़े कलाकारों में शुमार हुए हैं तो हम सब लोगों की जिज्ञासा का विषय ये है कि इन दोनों बच्चों की तालीम शुरू कहाँ से हुई? वैसे एक छत्तीसगढ़ में पर्व है होली का जिसमें बच्चे को
बचपन में 4-5 साल की उम्र में नगाड़ा बजाते हुए अच्छा उनको देखा। तब मन में एक जिज्ञासा हुआ कि अब इनको तबला सिखाना चाहिए। अब तबला सिखाने की बात आई तो मुझे ज्ञान कब हुआ, 35-36 साल में मैंने तबला सीखना शुरू किया शास्त्रीय पद्धति से जी। वैसे गांव में लोक संगीत और नाचा के प्रोग्राम में गाना बजाना होता था जी जी, तो मैं वही सीखा था कुदरत के जी द्वारा जो संगीत मिला वही, लेकिन शास्त्रीय पद्धति से मैंने सीखा नहीं था। तो 35-36 साल की उम्र में मैं ML देवांगन सर उतई वाले उनके पास सीखना शुरू किया। अब यूँ कहा जाए कि बाप बेटा की जो तालीम एक साथ हुआ है, मैंने गुरुजी से तालीम लेता था और मैं बच्चों को वही तालीम देता था। इस तरह से खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा कोर्स होता है प्रथमा प्रथम से लेके वित्त तक, तो मैं गुरुजी से तालीम ले लेके बच्चे को वित्त तक के क्लास उनको करवाया, मतलब डिप्लोमा कोर्स करा दिया। और फिर मंच का रही बात, हमने मंच को डरे हैं तो ये डर हमारे बच्चे में ना हो, ऐसा करके रामायण मंच में करीब 55-60 रामायण मंचों में इनको 10-11 साल की अवस्था में, उस समय क्लास 5 में था मुझे याद है, पूरा घुमाया हूँ ताकि मंच से इनका डर ख़त्म हो। और मज़े की बात ये रहा कि लगभग मंचों में तबला विशेष रामचंद को मिला, तो मैं 5-6 साल गुरुजी के पास जाने के बाद अब मैं तो मंचों पर ज़्यादा परफॉर्मिंग का मौका मुझे नहीं मिला, और ये भी अब सोच लिया कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो अब इनके पीछे लगा जाए। तो मेरे बाद खैरागढ़ से गुरुजी पंडित सुरेश भट्ट, उसके बाद पार्षद मुखर्जी जो अभी अवधपुरी रिसाली में ही हैं, तो गुरु की ऐसी कृपा मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर हमेशा बना रहा, और एक क्रम सह उनके एक सीढ़ी दर सीढ़ी गुरु मिलते गए। और रही बात छोटी बेटी पूनम सर पे, अब वो कैसे सीखे बोलेंगे, तो घर में तब तक के अच्छा माहौल हो गया था, पहले लोक संगीत का माहौल था, इनके आते आते तक शास्त्रीय संगीत का माहौल, संगीत का एक माहौल बन चुका था जी जी। तो जैसे रामचंद 4 साल में शुरू किया तो पूनम 3 साल में ही शुरू हो गया, या यूँ कहें कि तबला उनका खिलौना हो गया, खेलते खेलते मेरी छोटी बच्ची सीख गई। अब मेरी खुशी दुगनी हो गई, मेरे घर में 2-2 तबला प्लेयर, और अंजू बेटी बड़ी है पूनम से, लेकिन उनको भी प्रयास किया, लेकिन अभी अभी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगी, वैसे संगीत का गुण उनमें है, तो छोटी बेटी को भी अब पिताजी से भाई से दोनों से तालीम मिलने लगे, तो फिर छोटी बेटी इतना तेज़ी से प्रोग्रेस करी कि अब देखो भाई बहन ऐसा है कि किसको मैं
ज़्यादा अच्छा बजाती है, कौन बेटा ज़्यादा अच्छा बजाता है, ऐसा मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता। इस तरह से बच्चे हमारे तैयार हुए। जी जी, तो कुल मिलाकर के यह है कि ना केवल आपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाना, बल्कि उस पहचान करके उसको आगे बढ़ाने में भी मदद की, एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, उस योजनाबद्ध तरीके से आप आगे गए। उसी का नतीजा है कि आज दोनों बच्चे जो है इस स्थिति में हैं। हाँ जी, आप जैसा देख रहे हैं कि रामचंद्र जी के पिताजी भी जो है किस तरीके से उन्होंने समर्पण भाव से एक योजनाबद्ध तरीके से अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दिया। आज उस प्लान का, उस पहचान का और वो जो बच्चों में जो गुण था उसको जो उन्होंने पहचाना, उसका नतीजा आज हम आप सबके सामने है कि एक घर में दो अच्छे तबला वादक सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। नमस्कार। हमारे साथ हैं रामचंद्र और पूनम की बड़ी बहन अंजना सरपे। उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि रामचंद्र और पूनम को लेकर के, तो आइए हम मिलते हैं अंजना सरपे जी से। अंजना जी, आपका स्वागत है सर्वकाल यूट्यूब चैनल में। आप से हम लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी बहुत सारे जानना चाहते हैं कि आप लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो कुछ नोकझोंक भी होती होगी, तो वो नोकझोंक के बाद सुलह कैसे होती है? हम लोगों को उम्मीद ये है कि आप लोगों की सुलह जल्दी हो जाती होगी, अगर जल्दी नहीं होती तो शायद हम लोगों को इतना अच्छा संगीत सुनने को नहीं मिलता। जी जी। तो हम लोग वो वजह जानना चाहते हैं कि वो ऐसे कौन से कारण है जिससे सुलह हो जाती, नोकझोंक तो होती ही होगी ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। हाँ बिल्कुल, भाई बहनों में तो नोकझोंक होती ही है, इससे ही तो प्यार बढ़ता है ना। तो ऐसा होता था कभी घर में कि भैया रियाज कर रहे होते हुए एक रूम में, तो वो कहते हैं कि मैं रियाज कर रहा हूँ अभी, तो मैं अकेले रियाज करना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम भी इस रूम में रियाज करेंगे, हमको भी कुछ गाने गाने हैं, ऐसा कहते थे। तो भैया कहते थे जाओ तुम दूसरे रूम में रियाज कर लो, तो हम भी अड़ जाते थे कि नहीं हम यहीं रियाज करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे में उलझ जाते थे। हाँ तो फिर वो भी अडिग रहते थे अपने कार्य पे, हम भी, तो फिर इस तरह से वो अपना ताल बजाना चालू कर देते थे, हम भी सुर छेड़ देते थे, तो इस तरह से सुर और ताल का समन्वय हो जाता था और हमारे झगड़े भी उलझने जो है सुलझ जाती थी। अच्छा, कुल मिलाकर की है कि नोकझोंक को सुलझाने की वजह भी सुर और ताल की बन, संगीत बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। हाँ तो एक किस्सा मुझे पिताजी का याद आता है। जी। जब हम छोटे थे, संगीत का माहौल तो घर में था ही हमारे, तो हम तो बच्चे थे, खेलते थे कूदते थे, तो कहीं पड़ोसी के घर, पहले ये दौर था कि छोटी टीवियाँ होती थी, एलसीडी का दौर नहीं, उस टाइम दौर आया था जस्ट। तो फिर पिताजी से हम आके कहते थे कि पिताजी उनके यहाँ एलसीडी टीवी आया है, उनके यहाँ एलसीडी टीवी है। तो फिर पिताजी कहते थे कि, थोड़ा रुकते थे, फिर कहते थे कि जाओ तो देख के आना, उनके यहाँ तबला हारमोनियम है क्या, ऐसा कहते थे पिताजी। तो उस समय उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आज इस वक्त में उनकी बातें बिल्कुल समझ में आती है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, संगीत के प्रति कितना समर्पण था, साधना था। ये हम सभी लोगों के लिए एक अच्छी बात है, प्रेरणा की बात है कि आपके पिताजी जो है बच्चों को किस तरीके से समझाते थे और अपने संगीत को बाकी चीज़ों से बेहतर बताने की उन्होंने शुरू से कोशिश की। ये एक उसका उदाहरण है कि अगर हम वो कह रहे हैं कि सामने वाले के घर में हारमोनियम या तबला है या नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। ये हमको लगता है कि इसी से धीमे धीमे बाद में आप लोगों को ये महसूस हुआ कि तबला और हारमोनियम ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी जो आप इस शो में आई, और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को भी आपके सवालों से बहुत कुछ सीख, जवाबों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। हमारे साथ हैं रामचंद्र की पत्नी साधना जी। वो एकमात्र ऐसी घर की सदस्य हैं जिनके लिए घर का माहौल एकदम अलग था, क्योंकि उनके पहले, इसके पहले उनके घर में म्यूजिक का माहौल नहीं था। एक नए माहौल में आने पर उनको कैसा लगा, इस बारे में हम लोग उनसे जानना चाहते हैं। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वकाल यूट्यूब चैनल में। हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का नहीं रहा, फिर जब आप इस घर में आई तो पूरा म्यूजिक का माहौल मिला, एक नहीं बल्कि 3-4-5 सदस्य जो है आपको म्यूजिक से जुड़े हुए मिले, तो
तो आपको उस माहौल से, इस माहौल में जब आई तब आपको फिर कैसा महसूस हुआ? जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो मतलब मेरा रिश्ता एक संगीत परिवार में तय हुआ, तो मेरा होने वाला हस्बैंड जो तबला वादक है तो मुझे पता नहीं था। जब पता चला कि तबला वादक है तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की थी, तो मैं गांव में बस वही रामायण भागवत ये सब में तबला सुनी थी, ये तब तबला देखी वहाँ गांव में। और मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ गांव का, मेरे मायके का। जी जी। जब मेरा हस्बैंड विदेश गए तो उन लोग पूछते थे कि आपका हस्बैंड कैसे गया, कैसे गए? हाँ। विदेश जब गए तो वो कैसे गए? हाँ। जी। तो उन लोग बोलते थे कि बस से गए कि ट्रेन से गए। बस से या ट्रेन से? हाँ। तो मैं बोली कि बस से नहीं गए, उन लोग एरोप्लेन से गए। तो जी। बोले कि अच्छा, जो मेरे दादी दादा थे वो बोले कि अच्छा वो जो ओपन में है उसी से गए क्या? ओपन में मतलब हेलीकॉप्टर से? अच्छा, गए अच्छा। क्या ऐसे करके बोले। तो मैं बोली नहीं, उसको एरोप्लेन बोलते हैं, ऐसे करके बताया। और जब मैं शादी करके यहाँ आई ससुराल, तो पहले तो ससुराल आई तो यहाँ दिन और रात वही गाना बजाना चलता था, और वही गाना बजाना होता था। और जब धीरे धीरे मैं भी बड़े बड़े मंच में मतलब कार्यक्रम देखने गई तो बड़े बड़े कलाकारों से मुलाकातें हुई, गाना बजाना और तबला का स्तर इतना बड़ा होता है तो मैं गाना बजाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर पहले पसंद नहीं था लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि माहौल जो है एक गांव के परिवेश का संगीत और एक ऊपर स्तर का जो संगीत है, जिसको हम ये नहीं कह सकते शहरी संगीत, संगीत का एक अलग लेवल आपको देखने को मिला कुल मिला करके, और जो उसके बाद फिर आप भी उसमें ढल गई। जी। अच्छा, दूसरा सवाल और है हमारे पास आपके लिए ही है कि जब आपका समय खाली समय रहता है तब आप लोग क्या करते हैं खासतौर पर आप? जी, वैसे तो मेरे पास समय कम रहता है। अच्छा। घर का काम करती हूँ। जी, जी। और पढ़ाई भी करती हूँ, कॉलेज भी जाना पड़ता है। जी, जी। और मेरे छोटे बच्चे को भी पढ़ाना पड़ता है। जी, जी। जैसे समय मिल गया तो कहीं रिश्तेदारों के यहाँ घूमने चले जाते हैं, गार्डन चले जाते हैं, और कहीं पार्क वगैरह में घूमते हैं। और जैसे समय मिल जाता है तो वहीं घर में रियाज चलता है तबला का, तो वहाँ सुनने बैठ जाती हूँ। और बैठकी भी होता है हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा। महीने महीने में तो वहाँ गाना बजाना होता है तो वहाँ सुनने बैठ जाते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी जो आप हमारे साथ जुड़ी, शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने रामचंद्र और पूनम के सारे परिवार के सारे सदस्यों से लगभग बात की है, और एक आप देखते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी सारे सदस्यों में दिखाई देती है कि कैसे जो है एक कलाकार को बनाने में उनके परिवार का, उनके परिवार का समर्पण, उनके परिवार की योजना, उनके परिवार का एक ऐसा समर्थन भी होता है जो दिखाई नहीं देता है। एक छोटा सा ब्रेक और हमको लेना होगा, उसके बाद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। Hello everyone, my name is Raman Suri. I've been in the insurance business for over 10 years and I've been helping people and serving them with the insurance of life insurance and Supervisa. And recently, last year, I became a real estate agent and I've been selling houses from last year and been a very passionate and successful realtor. Just over last 2 months, market has been really hot and we sold more than 20 houses. And even right now, I'm working with over 10 buyers right now that I'm trying to help them with they're all first time buyers and trying to buy a house in Calgary. Also working with a lot of builders right now that I have multiple lots coming up. Please contact me if you're interested in the insurance business, also in the real estate business, as market is really hot right now in Calgary. Please contact me at 403-561-2353. Thank you so much. Thank you.
Oh, there you go.
आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है, जिन्हें हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के सारी टीम मेंबर्स और ख़ास तौर पर श्री हरजीत सिंह जी, अंकिता साह जी, जिन्होंने निरंतर हमसे संपर्क बनाए रखा और अपने दर्शन मार्ग में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्षम रहे। आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने लाइट, कैमरा और ध्वनि यंत्र के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान किया, हमारे बड़े भैया पार्था मित्रा और यासीन मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम अच्छे से प्रस्तुत कर सके। और हमारे आज के संचालक महोदय श्री मयंक चतुर्वेदी जी मानस, जिनके सफल संचालन में जिस कार्यक्रम को पूरा एक धागे में पिरोने जैसा काम किया, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने सफल संचालन के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया। और अंत में हमसे ऑनलाइन जुड़े सभी दर्शक दीर्घाओं का हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, उसके लिए हम आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, और रामचंद सरपे की बहन पूनम सरपे और उनके सारे परिवार के सभी सदस्यों का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्व अकाल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। बड़ा हाथ नीचे ना भाई, हाथ नीचे ना भाई, स्टील नहीं, थोड़ा हाथ को मूवमेंट करो नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इधर मत देखिए, साइड से निकल जाएंगे। ठीक है आइए आइए। हाथ में ऐसे कुछ करता है ना। आज हम एक नए प्रोग्राम, आज नहीं बोलना। आप सभी आमंत्रित हैं और अपना आशीर्वाद दीजिए, आइए इस प्रोग्राम को। ठीक है डार्क आएगा। अब चलो चलिए स्टार्ट मार जल्दी। चलो।